तो हेलो गाइस, तो जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि हमारा चैनल जो है कुछ टाइम पहले हैक हुआ था। आज से अराउंड 5-6 दिन पहले हैक हुआ था। तो बेसिकली हुआ क्या था कि ना, मैं रात को 12 बजे अपनी एडिटिंग खत्म करके सो गया था। सो 12 बजे मैं सो गया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे 1:59 AM पे एक मैसेज आता है कि मेरे गूगल अकाउंट का पासवर्ड चेंज हो गया है। देन उसके बाद यहाँ पे 2:14 पे मेरे चैनल पे एक लाइव स्ट्रीम चालू होती है, जो की आई डोंट नो कौन से लैंग्वेज में थी। और ये सब कुछ मेरे भाई ने मेरे से कहा है, क्योंकि उस वक्त मैं तो सो रहा था। और ये सारे स्क्रीनशॉट जो है वो मेरे भाई ने लिए हैं। देन फिर 31 जुलाई की सुबह को मैंने देखा कि मेरा चैनल का लोगो चेंज हो चुका है, आई मीन कि ईमेल का लोगो चेंज हो गया है, क्योंकि चैनल तो कहीं पे दिख नहीं रहा था। और उस हैकर ने मेरे ईमेल का पासवर्ड चेंज कर दिया और रिकवरी ईमेल चेंज कर दिया और 2-स्टेप वेरिफिकेशन लगा दिया। हालांकि ये मैंने भी लगा रखी थी, लेकिन उसने फिर भी कैसे हैक कर लिया आई डोंट नो। और जब मुझे ये पता चला कि मेरा चैनल हैक हो गया है, तो मतलब मैं ना इतना घबरा गया था कि अब क्या होगा। और मैंने दिन में 3 बार रोया था, क्योंकि ना मैंने इस चीज के अंदर अपना 1.5 साल इन्वेस्ट किया है और रात रात भर जागकर मैंने वीडियोस एडिट किए हैं। लेकिन फिर जब 1 सेकंड के अंदर सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ एकदम ब्लैंक हो गया था, मतलब एकदम 15,000 से एकदम जीरो। देन फिर मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाली और आप लोगों से कहा कि मेरे ट्वीट को रिट्वीट कर दो। सो आप में से जितने भी लोगों ने रिट्वीट करके या फिर कुछ सजेशन देके मेरी हेल्प की, तो उन लोगों को दिल से थैंक यू। सो ट्वीट करने के 2-3 घंटे बाद जो है रिप्लाई आ गया था यूट्यूब का। देन उन्होंने जो भी कहा मैंने उस चीज को फॉलो किया, और ऐसा करते करते 3 दिन बाद मेरा ईमेल जो है वापस आ गया था। लेकिन क्योंकि हैकर ने जो है किसी क्रिप्टो करेंसी की स्ट्रीम चलाई थी, जिससे कि मेरा चैनल हैक होने के 2-3 घंटे बाद ही यूट्यूब ने उसको डिलीट कर दिया था। और जब मेरा ईमेल वापस आया, जब मैंने उसके मेल्स पढ़े, तब मेरे को ये बात मालूम चली। देन फिर मैंने यूट्यूब को दोबारा से मेल्स वगैरह किए कि मेरा चैनल टर्मिनेट हो गया ऐसा वैसा कुछ। देन उसके 2 दिन बाद यानी कि 4 तारीख को चैनल वापस आ गया था। सो थैंक यू टीम यूट्यूब। सो अब आती है मेन बात। तो अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, तो तुम्हें पता होगा कि जब मेरा चैनल हैक हुआ था, तब मैंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली थी, जिसमें मैंने फ्री फायर के काफी सारे यूट्यूबर्स को टैग किया था और उनसे थोड़ी सी हेल्प मांगी थी, जिसमें अगर वो चाहते तो रीट्वीट कर सकते थे। लेकिन चलो मान लिया कि बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं तो टाइम नहीं होगा इतना, तो कम से कम मेरी स्टोरी को रिपोस्ट ही कर देते। लेकिन चलो मान लिया कि बहुत ही ज्यादा बिजी हैं कि एक क्लिक करके रिपोस्ट भी नहीं कर सकते, तो कम से कम बंदे को एक मैसेज करके यह कह दो कि कोई बात नहीं, वापस आ जाएगा चैनल, या फिर टेंशन मतलब ऐसा कुछ। लेकिन क्यों करें, क्योंकि हमें तो अपने 11 मिलियन करने हैं भाई। अब 11 मिलियन रहा नहीं जा रहा है, ठीक है। और क्यों करें, क्योंकि हमें तो अपने सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करने हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो। और बंदे का चैनल भाड़ में जाता है तो जाने दो, क्योंकि हमें तो अपने कुत्ते का इंस्टाग्राम प्रमोट करना है। और अब आता है तुम सबका प्रिय फेवरेट स्काई लॉर्ड। हाँ पता है स्काई लॉर्ड है, लेकिन अब वो पहले वाला स्काई लॉर्ड रहा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स के नंबर बदलते हैं, वैसे वैसे इंसान भी बदल जाता है। और यहाँ दिखाया गया सभी यूट्यूबर्स में आपकी हेल्प नहीं करना, आपको सपोर्ट नहीं करना, और फिर आपसे कहना कि वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो देख लिया तो अब भाड़ में जाओ। ये चीज कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि ये सब पर होती है, तो मैं ऐसे बार बार नहीं कहूंगा। ये बंदा आपसे हमेशा कहता है कि कुछ यूनिक करो, कुछ अलग करो। यहाँ पे कैसी कम्युनिटी बिल्ड करनी पड़ेगी जो डीजे आलोक और बाकी सब चीजों को छोड़ के कुछ अलग भी देखना पसंद करते। लेकिन जब आप बहुत मेहनत करके कुछ यूनिक बनाते हो, तो उस पे क्या सपोर्ट मिलता है वो मैं जानता हूँ। और अगर सच में तेरी ऑडियंस यूनिक चीज को सपोर्ट करती, तो आज मेरी वो वाली वीडियो पे इतने कम व्यूज नहीं होते। और मैंने ना उस वीडियो की स्टोरी डालकर तेरे को भी टैग किया था, लेकिन क्यों देखें, क्योंकि उस पे व्यूज नहीं है ना। और ये भी ना प्रमोट उसको करता है, उस पे पहले से व्यूज आ रहे होते हैं। अगर ये किसी ऐसी वीडियो को प्रमोट करे जो कि डिजर्विंग हो और उस पे व्यूज नहीं आ रहे, तो कोई सेंस बनता है इस बात का? अभी तुम लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि उन्होंने तेरे को सपोर्ट नहीं किया तो तू ये सब बोल रहा है। हाँ बोल रहा हूँ, और इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने उनसे कोई डायमंड नहीं मांगे थे, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मेरा चैनल हैक हो गया है, थोड़ा सपोर्ट कर दो। लेकिन नहीं, क्योंकि हम तो बड़े यूट्यूबर हैं, अगर कभी हमारा होता है तो हमारी तो जान पहचान है, हम तो करवा लेंगे। और अगर जान पहचान से काम नहीं बनता है, हमारी तो इतनी ऑडियंस है, हम तो जैसे कहेंगे कि रिट्वीट कर दो, तो लोग जाएंगे और रिट्वीट कर देंगे और हम तो बच जाएंगे। लेकिन अगर किसी और को हेल्प चाहिए तो क्या हम उसकी हेल्प करेंगे? और हाँ देखो, बोला और समझाया उसी को जाता है जिसे थोड़ी सी उम्मीद होती है कि हाँ ये बंदा समझेगा, ये बंदा ठीक करेगा। तो अब आता है तुम्हारा काम। हाँ, तुम जो अभी वीडियो देख रहे हो ना, उससे बात कर रहा हूँ। तुमको जाना है अपने इंस्टाग्राम पे, वहाँ जाके अपनी स्टोरी के अंदर इस वीडियो को टैग करना है और फ्री फायर के सारे यूट्यूबर्स को टैग करना है, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके और किसी में तो अकल आए। और आई डोंट थिंक ये समझेंगे ये लोग। तुम्हें क्या लगता है कि समझेंगे?